तो सो पैनासोनिक ब्रांड ने उनके लॉन्च कर ली उनकी नई टीवी या 4K टीवी, फुल एचडी टीवी, एचडी टीवी। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है उसकी प्राइसिंग और क्या उसमें खास रखा हुआ है पैनासोनिक ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पैनासोनिक ब्रांड ने उनकी जो GX600 की सीरीज है उसमें 14 मॉडल लॉन्च किए हैं। उसमें आपको फुल एचडी भी मिल जाएगा, एचडी मिल जाएगा और 4K टीवी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि 4K टीवी में आपको क्या क्या उसके अलग अलग वेरिएंट रखे हुए, क्या उसकी प्राइसिंग है और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 4K जो टीवी है उसकी GX600 की सीरीज में उसमें आपको 43 इंच से शुरुआत होगी और वो 75 इंच तक जाने वाली है। और दोस्तों बात कर ली इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग यहाँ पर 50,000 से शुरू होने वाली है और जो जाने वाली है 2,77,000 तक। और दोस्तों बात करूं इस टीवी के मेजर हाईलाइट की, मतलब जो इसकी 4K टीवी है इसकी मेजर हाईलाइट की बात करूं तो यहां पर आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, इसी के साथ ही साथ आपको अमेजोन एलेक्सा का भी सपोर्ट मिलता है। तो यहां पर ये मेजर हाईलाइट होगा यहां पर इस टीवी का। इसी के साथ ही साथ ये जो टीवी है 4K टीवी, इसमें आपको AI टेक्नोलॉजी भी यूज की जिसके थ्रू आप घर पे बैठे बैठे आपको टीवी ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर आप चैनल चेंज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपके वॉइस के थ्रू। तो यहां पर ये AI टेक्नोलॉजी के जरिए सारी चीजें परफॉर्म हो सकती है। और मान लीजिए कि आप समझ लो कहीं रेडी हो रहे हो और लेट हो रहे हो तो आपको टीवी ऑफ करना है, तो आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं, आप वॉइस के थ्रू ही एक्सेस करके टीवी ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। अगर सब मान लीजिए कि आप घर में कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग में बिजी हो, आपको चैनल चेंज करना है या फिर वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है सिर्फ और सिर्फ AI टेक्नोलॉजी के जरिए। तो जो कि एक मेजर हाईलाइट होगा इस टीवी का। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो इसी टीवी के थ्रू। और बढ़ते हैं आगे स्पेसिफिकेशन में। और दोस्तों बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर की, तो इन टीवी में आपको अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सारे के सारे ऐप्स परफेक्टली चलने वाले हैं और इस टीवी में आपको प्रिंट शॉल देखने मिल जाएंगे। दोस्तों बात कर लें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको पैनासोनिक का माई होम 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट मैं कवर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सभी लोग कमेंट में पूछ रहे हो कि पिक्चर क्वालिटी कौन सी अच्छी है, कौन सी टीवी की अच्छी होगी, तो यहाँ पर पैनासोनिक के बारे में बता जाऊंगा कि यहाँ पर आपको IPS का सुपर ब्राइट पैनल देखने मिल जाएगा जिसके थ्रू तो व्यूइंग एक्सपीरियंस कलर बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले। और इसी के साथ जो पिक्चर इंजन है, पिक्चर इंजन जो हेक्सा क्रोमा ड्राइव प्रो, ये जो पिक्चर इंजन है जिसके थ्रू आपको कलर नेचुरल कलर आपको एकदम फील कराएंगे और एकदम नेचुरल कलर आपको स्क्रीन पे देखने मिलेंगे जिसके थ्रू पिक्चर एक्सपीरियंस और क्वालिटी तो बहुत जबरदस्त होने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ ही साथ आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है तो पिक्चर क्वालिटी तो सुपर्ब होने वाली है इस टीवी में। और दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूँ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया और जो टेक्नोलॉजी यूज की डॉल्बी एटम साउंड सराउंड टेक्नोलॉजी यूज की जिसके थ्रू साउंड बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होकर आपको सुनने मिलेंगे, कान में एकदम डिनचैक मजा आने वाला है। दोस्तों इन सभी 4K टीवी में आपको वॉइस अनेबल रिमोट मिल जाता है और इसी के साथ साथ टीवी में ब्लूटूथ देखने मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ब्लूटूथ अनेबल डिवाइसेस कनेक्ट करके अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। मतलब आपके पास एक ब्लूटूथ हेडसेट है तो आप आराम से टीवी देख सकते हो और आपको किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ेगा, फुल बड़ी स्क्रीन पर टीवी इंजॉय करोगे आपके ब्लूटूथ हेडसेट के जरिए। तो आप बाकी लोग घर में अगर समझ लो सो भी रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने ब्लूटूथ हेडसेट लगाया हुआ है और आप फुल इंजॉय कर रहे हो वो भी बड़े स्क्रीन पर। अभी तक क्या होता था कि अभी भी हम जब तक होते थे कि मतलब ब्लूटूथ हेडसेट के जरिए मोबाइल स्क्रीन पे टीवी देखते थे, हाथ दर्द करने लगता था देखते देखते, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए आपको यहां पर आपको बड़े स्क्रीन पे बिना किसी को डिस्टर्ब किए आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों बात करें यहां पे टीवी के डिजाइन के बारे में, तो यहां पे जो डिजाइन दिया गया है जापानीज डिजाइन दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हो गई इनके 4K स्मार्ट टीवी के बारे में। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पैनासोनिक ने और भी कुछ उनकी OLED टीवी के बारे में अनाउंसमेंट किया है, तो उसमें दो सीरीज और है, जो एक है FZ950 और दूसरा है FZ100। तो यहाँ पे दो सीरीज उनके OLED टीवी के है जिसमें 55 इंच वाली टीवी मिल जाएगी, उसके ऊपर वाले भी साइज दिए गए, मतलब 65 इंच और 75 इंच। और जो 75 इंच वाला टीवी है उसको पैनासोनिक ने प्रीमियम वेरियंट करके अनाउंस किया हुआ है। और बात करें इनके प्राइसिंग के बारे में, तो FZ950 का जो वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, और जो दूसरी सीरीज है FZ1000 उसका प्राइसिंग रखा हुआ है लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास, मतलब 4.5 लाख का उसका प्राइसिंग रखा हुआ है। और दोस्तों बात कर ले पैनासोनिक के HD और फुल HD टीवी के बारे में, तो यहाँ पर 32 इंच से स्टार्ट हो रही है, वो भी 40 इंच तक जाने वाली है जो HD और फुल HD टीवियाँ हैं। तो यहाँ पर उनकी प्राइसिंग की बात करो तो यहाँ पर 21,000 से स्टार्ट हो रही है इनकी फुल HD टीवी और HD टीवी, और 32 इंच वाली जो टीवी है उसका प्राइसिंग स्टार्टिंग प्राइस रखा हुआ है 21,000 रुपीज़।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं समराइज करूँ तो यहाँ पर आपको मेजर हाईलाइट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको गूगल असिस्टेंट मिल रहा है, एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा भी मिल रहा है, इसी के साथ ही साथ आपको एआई टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है जिसके थ्रू आप चैनल चेंज करना है, आप वॉइस के थ्रू कर सकते हो, टर्न ऑन ऑफ करना है वो भी वॉइस के थ्रू कर सकते हो। तो ये कुछ मेजर हाईलाइट होंगी इस टीवी की, और इसी के साथ साथ जो साउंड टेक्नोलॉजी है वो भी अच्छी हुई, तो आपको साउंड क्वालिटी भी इस टीवी में बहुत अच्छी देखने मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप कोई भी टीवी लेने का प्लान कर रहे हो या 4K टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये टीवी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसी के साथ साथ अभी फिलहाल ये अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन और जब भी अवेलेबल होगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो, उसके बाद सारे डिटेल्स भी वहां से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आपका क्या थॉट है इस टीवी के बारे में जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा ये टीवी, क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई क्या करना है, लाइक करे भी ना जाना नहीं, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो जरूर लाइक कर देना, इसी के साथ साथ वीडियो शेयर भी कीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हैप्पी गाइड फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए आपको एक भी रुपए नहीं देने, कंप्लीटली फ्री है, और ये हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइए, और उसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, घंटी बजा के एकदम टन 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 कर दीजिए, और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड, बाय बाय।